कार्तिकेय चौहान का किया महलुआ चौराहे पर भव्य स्वागत। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र भाजपा के युवा नेता कार्तिकेय चौहान का महलुआ चौराहे पर आगमन हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान युवा नेता एवं स्थानीय विधायक के भतीजे पुत्र अंकेश सप्रे के नेतृत्व में कार्तिकेय चौहान का महलुआ चौराहे पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। बताया गया कि भाजपा युवा नेता अंकेश सप्रे के विशेष आग्रह पर कार्तिकेय चौहान का काफिला महलुआ चौराहे में कुछ समय के लिए रुका। यहां युवा नेता अंकेश सप्रे के नेतृत्व में कुरवाई विधानसभा के सभी भाजपा मंडल के पदाधिकारियों, नेताओं व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने कार्तिकेय चौहान का जोरदार तरीके से स्वागत व अभिनंदन किया। हमें दिग्विजय सिंह जी की सरकार को याद नहीं करना, हम तो कमलनाथ जी की सरकार को देखकर परेशान हो गए। आज उसी सरकार से लड़ने के, उसी कमलनाथ जी के झूठे वादों से लड़ने के लिए, उनके षड्यंत्र से लड़ने के लिए मुंगावली में जा रहा हूं और जाते जाते मेलवा की जनता का आशीर्वाद भी लेते हुए जा रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो धर्म और अधर्म के युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो सत्य असत्य के युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, मेलवा की जनता का जो आज आशीर्वाद मिला है उसके साथ मुझे निश्चित ही यकीन है कि इस युद्ध को हम जीतेंगे और सत्य की स्थापना। चाहेंगे कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हंसके सपने भी 18 से 20 सीटें तो जीतने से रहे, हम 28 की 28 सीटों पर भगवा ध्वज लहराएंगे और पुनः मध्य प्रदेश में जो विकास की रेल को जिसने कांग्रेस ने पटरी से उतार दिया था 15 महीनों में, उसको वापस पटरी पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे।